अक्षय कुमार की सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म हाउसफुल है, जिसका पार्ट 4 लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसके फौरन बाद ही इसके अगले पार्ट यानी हाउसफुल 5 की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। इस फिल्म के पार्ट से लेकर पार्ट 5 तक जो कास्ट बरकरार रही उनमें से अक्षय कुमार और रितेश कुमार हैं। बाकी सारी कास्ट तब तो तब्दील होती रही, लेकिन इन दोनों की जोड़ी जिस तरीके से ये दोनों एक आम सी बात को भी अपने एक्सप्रेशन और बातों से कॉमेडी का तड़का लगाते हैं, वो लोगों को हंसाने में हमेशा कामयाब रहा। इसलिए अब तक इनकी जोड़ी कायम रही, जैसे अच्छे और बुरे दिन दोस्तों सब लोग के आते हैं। इसी तरह अक्षय कुमार का करियर कुछ टाइम पहले बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, कोई प्रोड्यूसर भी इन पर पैसा लगाने को तैयार न था, लेकिन फिर उनकी एक फिल्म OMG 2 आई जिसने फिर से लोगों के दिलों में घर कर लिया। और फिर हाउसफुल 4 जैसी अगर फिल्म हो तो इसे कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। और अब इसके अगले पार्ट पर काम किया जा रहा है और इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस के लिए दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। यानी ये फिल्म इस साल तो नहीं, हाँ अगले साल दोस्तों 1 नवंबर 2024 को सरप्राइज़ के साथ रिलीज़ की जाएगी। और अब की बार ये फिल्म पहली फिल्मों से भी बड़ी और ज़्यादा शानदार होने वाली है। इस बार कास्ट भी ज़्यादा होगी। फिल्म मेकर्स के मुताबिक हाउसफुल 5 में जो बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार शामिल होंगे, इनमें जॉन इब्राहिम, पूजा हैग, नोरा फतेह, कृति सनन, जैकलीन और बॉबी देओल, और इसके अलावा और भी बहुत से अहम नाम इस फिल्म का हिस्सा होंगे। कुछ अदाकार लोगों के लिए सरप्राइज़ होंगे जिनकी फिल्म में एंट्री अचानक होगी। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इनमें से एक का नाम दीपिका का हो। इस बारे में अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये फिल्म है ही ऐसी जिसके नाम से ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और जो बनी ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम करने के लिए है। वैसे एक और अहम बात दोस्तों, कुछ पाने के लिए जैसे कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही अगर हाउसफुल 5 पर काम शुरू कर दिया गया तो इनकी भी एक फ़िल्म जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, इसे थोड़ा आगे कर दिया जाएगा। यानी फिर वो बाद में बनेगी, यानी कि हेरा फेरी 3, जो कि अक्षय कुमार की एक ज़बरदस्त हिट फिल्म है। और हाँ दोस्तों, हाउसफुल 5 के बजट का भी आप लोगों को बताते चलें तो ये फिल्म 48 मिलियन के बजट से तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।